इंडियंस के लिए पार्ले जी सिर्फ एक बिस्किट ही नहीं बल्कि एक इमोशन है। पार्ले जी एक ऐसा बिस्किट है जिसे इंडियंस अपने घर का एक हिस्सा मानते हैं। इंडियंस की सुबह की चाय हो या शाम के स्नैक्स, इनमें आपको पार्ले जी लाजमी दिखेगी। एंड ये बिस्किट खाने में जितना टेस्टी लगता है, इसकी जर्नी भी उतनी ही मजेदार है। पार्ले जी की कहानी शुरू होती है 7 अगस्त ईयर 1905 से, जब गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन की नींव रखी और लोगों ने फॉरेन चीजों को बॉयकॉट करके अपनी लोकल चीजें अपनाना शुरू करा। एंड कई लोगों ने लोकल बिजनेसेस भी शुरू करे ताकि फॉरेन प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंसी कम हो। इसी बीच गुजरात के एक टेलर मोहनलाल दयाल ने भी अपना एक लोकल प्रोडक्ट बनाने का सोचा। उन्होंने टॉफीज और चॉकलेट्स की कंपनी खोलने का फैसला करा। बट मोहनलाल के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उन्हें टॉफी और चॉकलेट्स बनाने का 0% नॉलेज था। इसीलिए उन्होंने फैसला करा कि वो जर्मनी जाएंगे और वहां से टॉफीज और चॉकलेट्स बनाना सीख कर आएंगे। कुछ समय तक वहां पर उन्होंने टॉफी मेकिंग टेक्निक सीखी एंड वापस इंडिया आ गए। एंड आते समय उन्होंने अपने साथ एक टॉफी मेकिंग मशीन भी ले आए। इंडिया वापस आने के बाद मोहनलाल ने मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री को खरीदा और अपने मशीन्स को फिट करके टॉफी और चॉकलेट्स बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में मोहनलाल की फैक्ट्री में सिर्फ 12 लोग ही काम करते थे, जो कि मोहनलाल के फैमिली मेंबर्स ही थे। और अपने कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग फैमिली वालों ने अपने काम को डिवाइड कर लिया। किसी ने टॉफी मेकिंग का पोस्ट संभाल लिया, किसी ने पैकेजिंग एंड सेल्स का पोस्ट संभाल लिया, किसी ने मैनेजर का पोस्ट संभाल लिया। एंड अपने कंपनी का नाम कंपनी के लोकेशन के नाम पर ही पार्ले रख दिया। पार्ले का सबसे पहला प्रोडक्ट था एक ऑरेंज कैंडी, जो अपने टेस्ट एंड अफोर्डेबल प्राइस के चलते इंडियंस को काफी ज्यादा पसंद आने लगा। क्योंकि ब्रिटिशर्स जो कैंडीज बेचा करते थे वो काफी महंगी आती थी, जिसे गरीब और मिडिल क्लास आदमी लेने का सोच भी नहीं सकता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मोहनलाल दयाल ने अपने कैंडीज को अफोर्डेबल बनाया ताकि इंडिया का हर एक बच्चा खरीद कर खा सके। मोहनलाल दयाल ने यह भी देखा कि बिस्किट्स भी काफी ज्यादा महंगी है। एंड उस टाइम पर बिस्किट सिर्फ ब्रिटिश के बड़े ऑफिसर्स और इंडियन किंग्स ही कंज्यूम करा करते थे। उस टाइम पर मिडिल क्लास लोगों के लिए बिस्किट खरीदना एक सपने जैसा था, क्योंकि उस टाइम पर बिस्किट्स काफी ज्यादा महंगी बिकती थी। एंड इसमें मोहनलाल को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी। ईयर 1399 को मोहनलाल ने अपना पहला बिस्किट को मार्केट में लॉन्च करा, जिसका नाम रखा पार्ले ग्लूको। अब सस्ते प्राइस और अच्छे टेस्ट की वजह से ये इंडियंस के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी इंडियन आर्मी ने इसे खूब कंज्यूम किया था। पार्ले ग्लूको की सेल्स रैपिडली बढ़ रही थी एंड पार्ले लोगों के नजर में आना शुरू हुआ। पार्ले के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तब अचानक से गेहूं की कमी हो गई एंड इसके चलते पार्ले को अपने ग्लूको प्रोडक्शन को रोकना पड़ा। पार्ले ग्लूको की प्रोडक्शन रुक जाने के कारण पार्ले को काफी ज्यादा लॉस हुआ, जिससे पार्ले कंपनी ने यह फैसला करा कि जब तक मार्केट में गेहूं अवेलेबल नहीं हो जाती तब तक वो जा से बने बिस्किट्स बेचेंगे। और एक एडवर्टाइजमेंट लॉन्च करा, जिसमें पार्ले ने अपने कस्टमर से यह अपील करी कि जब तक हालात सही नहीं हो जाते तब तक वो अपनी बिस्किट में जौ का यूज करेंगे। बाद में हालात नॉर्मल हो गए एंड पार्ले फिर से बिस्किट्स में गेहूं का इस्तेमाल करने लगा। कुछ वक्त तक पार्ले के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आगे जो होने वाला था वो पार्ले कंपनी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल खड़ी करने वाला था। ईयर 1960 के करीब कई सारी कंपनीज ने ग्लूको बिस्किट के नाम से ही अपने बिस्किट्स लॉन्च कर दिए। नाम सेम होने के कारण कस्टमर्स कंफ्यूज हो जाते थे कि इनमें से ओरिजिनल कौन सा है। एंड इसके चलते पार्ले के सेल्स लगातार गिर रहे थे। इस मुसीबत से बाहर आने के लिए कंपनी ने अपने पैकेजिंग को चेंज करने का सोचा, जिसके बाद से पार्ले के बिस्किट्स येलो पेपर में लपेट कर आने लगे, जिसमें लाल रंग की पार्ले की ब्रांडिंग के साथ एक छोटी बच्ची की तस्वीर भी लगी थी। एंड इससे पार्ले की पैकेजिंग दूसरे सारे ब्रांड से अलग हो गई एंड कस्टमर अब डुप्लीकेट और ओरिजिनल में आसानी से फर्क कर सकते थे। और कस्टमर्स को भी ये पैकेजिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आई। यह 1982 में कंपनी ने पार्ले ग्लूको को पार्ले जी के नाम से रिप्लेस कर दिया, जिसके बाद पार्ले जी का टीवी पर एक पहला एड आता है। पार्ले जी ने अपने एड्स को इस तरह से बनवाए जिससे बच्चे से बूढ़े तक हर कोई रिलेट कर पाए। इन एड्स की वजह से लोग पार्ले जी के साथ इमोशनली कनेक्ट होने लगे। एंड ईयर 1998 में पार्ले जी को शक्तिमान के रूप में एक ब्रांड एंडोर्सर मिला। अगर आप 90s के किड हैं तो आप शक्तिमान को तो जानते ही होंगे। उस टाइम पर बच्चों के बीच शक्तिमान बहुत ही ज्यादा फेमस था। ऐसे में अपने फेवरेट सुपर हीरो शक्तिमान की वजह से बच्चों में पार्ले जी को खूब पसंद किया जाने लगा। इसके बाद से जी माने जीनियस, हिंदुस्तान की ताकत, रोको मत टोको मत जैसे टैगलाइंस ने पार्ले जी को खूब चर्चा में रखा। पार्ले जी की एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स हमेशा से न्यूट्रिशंस और अफोर्डेबिलिटी की वैल्यूज पर ही फोकस रहे हैं। पार्ले ने अपने प्रोडक्ट पार्ले जी से मिली सफलता से हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा। कंपनी ने मार्केट में रिसर्च करके लोगों की पसंद और नापसंद को अच्छे से समझा। पार्ले ने देखा कि हर आदमी मीठी चाय के साथ मीठे बिस्किट कंज्यूम करना पसंद नहीं करता। कुछ लोगों को मीठे चाय के साथ नमकीन पसंद आते हैं।
इसीलिए पार्ले ने ईयर 1942 में अपने नमकीन बिस्किट लॉन्च करे मोनैको के नाम से। उसके बाद पार्ले ने 1963 में अपनी टॉफी लॉन्च करी किस्मी के नाम से, जिसको तुम में से कई लोगों ने खाया ही होगा। इसके अलावा पार्ले ने मेलोडी, क्रैक जैक, 2020, मैजिक्स, मिल्क शक्ति, मैंगो बाइट्स, लंदन डेयरी और एडेंसिक जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करा। पर फिर भी पार्ले का हीरो प्रोडक्ट पार्ले जी ही था। एक टाइम पर पार्ले जी बिस्किट्स की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कंपनी उतनी बिस्किट्स बना ही नहीं पा रही थी। तब पार्ले ने एक स्मार्ट डिसीजन लिया और लोकल बेकर से टाई अप कर लिया एंड लोकल बेकर्स को अपने बिस्किट की रेसिपी दे दी, जिसकी वजह से बिस्किट्स की बेकिंग को लेकर कंपनी से लोड तो हटाई एंड साथ में ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग सप्लाई चार्ट भी क्रिएट हो गया, क्योंकि जिस दुकान से पार्ले जी बिस्किट्स खत्म होते थे वहाँ के नियरेस्ट बेकरी से मिल जाते थे। एंड ये स्ट्रेटेजी कुछ समय के लिए अच्छे से काम करने लगी, लेकिन जब मैसिव ऑर्डर्स आने लगे तब कंपनी ने प्रोडक्शन बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दिया। पार्ले जी की मार्केट में डिमांड तो काफी ज्यादा थी, लेकिन पार्ले कंपनी ने इस बिस्किट्स के प्राइसेस को थोड़ा भी नहीं बढ़ाया एंड इसी स्ट्रेटेजी की वजह से ही कंपनी के सेल्स लगातार बढ़ गए। आपने देखा होगा पार्ले जी का छोटा पैक 2 रुपए और 5 रुपए में आ जाता है एंड ईयर 1939 के समय में भी ये सबसे सस्ता बिस्किट था एंड आज के टाइम पर भी ये सबसे सस्ता बिस्किट है। इंडिया में महंगाई आसमान छू रही, लेकिन पार्ले जी के प्राइसेस कभी नहीं बढ़े और पार्ले कंपनी अपने बिस्किट के प्राइसेस ना बढ़ाकर भी प्रॉफिट कमा रही है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में पार्ले ने 256 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करा था। अब आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा, अगर कंपनी प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ा ही नहीं रही है तो प्रॉफिट कैसे जनरेट कर रही है। दरअसल बात यह है कि पार्ले जी के प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इतने साइलेंटली कि कंज्यूमर्स को पता तक नहीं चल रहा। पार्ले को ये बात अच्छे से बताया कि कस्टमर्स को एक्स्ट्रा पैसे देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक बार जब इन्होंने पार्ले जी के ऊपर 50 पैसे बढ़ाए थे तब इनके सेल्स रैपिडली नीचे गिर गए एंड लोग सड़क पर उतर कर प्रोटेस्ट करने लगे। इसीलिए पार्ले कभी अपने बिस्किट्स के प्राइसेस को नहीं बढ़ाता, बल्कि वो बिस्किट की क्वांटिटी को कम करता है। पहले 4 रुपए में पार्ले जी का 100 ग्राम का पैक आता था एंड आज 5 रुपए में सिर्फ 55 ग्राम का पैक आता है। पार्ले जी का बिस्किट्स मार्केट में डोमिनेट करने का रीजन है ब्रांड लॉयल्टी, क्योंकि पार्ले जी को हमारे ग्रैंड फादर्स के जनरेशन से कंज्यूम किया जा रहा है। उस टाइम पर पार्ले ने अपने बिस्किट से एक ऐसी छाप छोड़ दी कि वो अफोर्डेबल और हेल्दी है, जो आज के टाइम पर एक स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी क्रिएट कर चुका है। अगर आप सोच रहे हो कि पार्ले जी सिर्फ इंडिया में ही पॉपुलर है तो आप गलत हो। इंडिया के अलावा चाइना में भी दूसरे बिस्किट्स के मुकाबले पार्ले जी को सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। इसके अलावा भी यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज में भी पार्ले जी को बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है एंड कई सारे देशों में इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी अवेलेबल है एंड ऑन एन एवरेज हर सेकंड 4,500 लोग पार्ले जी को खरीद रहे हैं। और 2023 में पार्ले ने 17,223 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करा था। करीब 95 साल पहले एक मामूली से टेलर ने पार्ले की नींव रखी थी एंड आज के टाइम पर पार्ले 2.7 बिलियन डॉलर का एम्पायर है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि नेक्स्ट आप ये वीडियो देखें।